तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। फ्रॉम द पोल, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और पोल से हमने एक ऑब्जेक्ट को वी नॉट वेलोसिटी से फेंक दिया, टी इज इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी हमने इतना दे दिया। फाइनली जब ये ऊपर जाएगा तो रिटार्ड होगा, और इसकी वेलोसिटी जो है धीरे धीरे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा, फाइनल स्पीड जीरो हो जाएगा। तो ये जो हाइट है वो एच अटेंड हो चुका होगा। तो अगर ये हाइट एच अटेंड हो चुका होगा तो यहाँ से जो हमने फेंका था वी नॉट से, तो ये वी नॉट का स्क्वायर, ये वाला चीज़, तो यहाँ से वी नॉट का स्क्वायर, तो ये हाइट हमें निकालना है। और ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो है अर्थ का रेडियस आर है, तो और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सेंटर से काउंट होती है, तो ये पूरा आर प्लस एच हो जाएगा, ये पूरा आर प्लस एच हो जाएगा, और ये यहाँ से ये वाला डिस्टेंस आर हो जाएगा। और अर्थ है तो अर्थ का मास मैं एम ले लेता हूँ, अर्थ का रेडियस आर ले लेता हूँ, जिस बॉडी को प्रोजेक्ट हुआ था उसका मास स्मॉल एम ले लेता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप पॉइंट ए और पॉइंट बी पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दिए, तो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए बराबर होगा मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी। तो इन दोनों पे अगर मैं इक्वेट कर देता हूँ, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे देखो, फर्स्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, और फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम और एम ओवर रेडियस ऑफ द अर्थ। टॉप पॉइंट पे काइनेटिक जीरो और पोटेंशियल मैं जोड़ रहा हूँ, लेकिन ये अपने आप निगेटिव आएगा, और आर प्लस एच। तो इस एक्सप्रेशन को और सिंपल लिख सकते हो, टू से मल्टीप्लाई कर दो, एम को कैंसिल कर दो, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एम ओवर आर यहाँ बचेगा, और इधर बचेगा माइनस टू जी एम ओवर आर प्लस एच। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो आर से मल्टीप्लाई, तो वी नॉट स्क्वायर आर माइनस टू जी एम, और यहाँ से इसको तुम देखोगे तो माइनस टू जी एम और आर, और यहाँ से आर प्लस एच। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले टर्म में आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा वी नॉट आर का स्क्वायर माइनस टू जी एम आर, और एच से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस वी नॉट स्क्वायर आर एच और माइनस टू जी एम एच, और इधर बचेगा माइनस टू जी एम आर। तो तुम यहाँ से एक अच्छी कहानी देख रहे हो, तो माइनस टू जी एम ओवर आर और माइनस टू जी एम ओवर आर यहाँ से कैंसिल हो गया, और इधर जो एच है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा वी नॉट स्क्वायर आर और माइनस टू जी एम ये बचेगा, और इधर जो जाएगा वो जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर और आर का स्क्वायर ये वाला टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर आर का स्क्वायर, और डिवाइड कर दूँ यहाँ से तो डिवाइड कर दूँ तो टू जी एम और माइनस वी नॉट स्क्वायर आर। अब जी एम की वैल्यू हम सबको पता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से जी एम की वैल्यू तुम रखोगे तो यहाँ से मिलेगा वी नॉट स्क्वायर आर का स्क्वायर, और जी एम की वैल्यू टू जी एम की वैल्यू जी आर का स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर आर यहाँ से, तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ख़त्म, यहाँ से एक आर कॉमन बच रहा है, तो ऊपर बचेगा वी नॉट स्क्वायर आर ओवर टू टाइम्स जी आर और माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये वाली जो हाइट है वो अटेंड किया होगा पार्टिकल, दिस इज द हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, ये इसका सोल्यूशन है वी नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर टू जी आर। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, एनर्जी कंजर्व कर देना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।